अंग्रेजी में कविताएं पढ़ रहे यह छात्र किसी अंग्रेजी विद्यालय के नहीं है, बल्कि सूरजपुर जिले में स्थित शासकीय विद्यालय तुलसी गांव के प्राथमिक शाला स्कूल के हैं। कल तक यह बच्चे हिंदी पढ़ने में संकोच करते थे, आज अंग्रेजी की कविताएं सुना रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर शिक्षक में जुनून और इच्छा शक्ति हो तो वह स्कूल की तस्वीर बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है तुलसी गांव में स्थित इस स्कूल के बच्चों के साथ। जिस गांव के बच्चे स्कूल के बजाय गांव में रहकर खेलना या खेती करना पसंद करते थे, आज उस गांव के बच्चे रविवार को छोड़ दे तो बाकी दिन स्कूल में समय बिताना काफी पसंद कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले में स्थित तुलसी गांव में प्राथमिक शाला स्कूल की, जहां एक शिक्षक की सोच ने यहां के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाकर इस कदर पढ़ाई के दीवाना बना दिया। यहां के बच्चे जो हिंदी को सही से पढ़ नहीं पाते थे, वह बच्चे अंग्रेजी में कविताएं पढ़ रहे हैं, खेल खेल में गणित को भी बखूबी याद कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की स्कूल भवन की, तो रंग रोगन भी ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल भी पीछे छूट जाए। यहाँ की दीवार में भी बच्चों को एक शब्द याद दिलाती है। कुल मिलाकर इस दीवार पर छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई यह शब्द स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर, वास्तव में यह स्कूल चरितार्थ कर रहा है। स्कूल आने में आप कैसा लगता है? बहुत अच्छा। पहले आप लोग रोज आते थे? नहीं। अब रोज आते हैं? जी। अगर नहीं आते हैं तो फिर सर क्या बोलते हैं? घर लेने जाते हैं। सर घर लेने जाते हैं? जी। तब किस पढ़ाई होता है स्कूल में? अच्छा होता है। किस टाइप से पढ़ाते हैं सर? गाना कविता से। किस टाइप से काट के बताइए? समझा समझा के पढ़ाते हैं। कैसा लगता है जब सर समझाते हैं या गाना गा के पढ़ाते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा आपको क्या याद है सर का पढ़ाया हुआ जो गाना के माध्यम से पढ़ाते हैं? कविता। मैं बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। मेरा यह मानना है कि बच्चे जब खेल खेल में सीखते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, वो आसानी से सीखते हैं और उनके मन स्थल पर ज़्यादा देर तक रहता है। जनरली ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई होती है जिसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में रहता है और बच्चे सहायक भूमिका में रहते हैं, जबकि खेल खेल में जो शिक्षा होती है उसमें बच्चे मुख्य भूमिका में रहते हैं, शिक्षक सहायक भूमिका में रहता है। इसलिए मुझे खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना अच्छा लगता है। मैं देखा हूँ कि बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है, बच्चे अपने मन की बात बेझिझक रखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से बहुत जल्दी सीखते हैं।